हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम, हरम नाथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो अंजना आनंद ब्लॉग में। फ्रेंड्स, क्या ही बताऊँ, आज सुबह से ही दीदी घर पर से आई। फ्रेंड्स, आज सुबह से लाइट नहीं था, इसके से मेरा मोबाइल स्विच ऑफ करा हुआ था। अभी फ्रेंड्स 5 मिनट के लिए लाइट आया, तो अभी देखिए 10% चार्ज हुआ है, उसके बाद से लाइट चली गई। तो मैं सोची ब्लॉग बना लेती हूँ। फिर सुबह से एक भी वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाई, और एक भी ब्लॉग या शॉर्ट वीडियो कौन सा भी नहीं बना पाई हूँ। बस मेरा गला दुख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। दीदी जब बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, तो बार बार वहाँ का ही ध्यान आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा है। फिर देखिए बना रही हूँ सब्जी, और आलू से रखी सब्जी बना रही हूँ, मैं अभी भूख रही हूँ। सारे कपड़े धोकर डाली हूँ, क्योंकि वहाँ पे दीदी घर पे नहीं धो पाई थी, क्योंकि उतना समय नहीं मिला था बाबू के वजह से। फ्रेंड्स, तो वहाँ पे ब्लॉग भी बनाना था और काम भी था, तो नहीं बना धो पाई थी। तो अभी यहाँ पे जब भी आई फ्रेंड, धोकर डाल दी हूँ सारे कपड़े, और बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ फ्रेंड्स। मैं सभी देखिए 7 बज गया है, और खाना बनाने चालू कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो गया। देखिए अभी जाके फ्रेंड्स लाइट आया है, मोबाइल बिल्कुल चार्ज नहीं है, तो अभी लगाऊंगी चार्ज, क्योंकि बिना मोबाइल चार्ज में कोई काम नहीं सकता है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन करना पड़ रहा, क्योंकि तो घर पर नहीं छोटी जान है, तो अभी भी काम करके आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी बाबू बाहर खेल रहा फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड जब भी खाना बनाती हूँ, पता नहीं कैसे हाथ उस पर लग जाता है, जल जाती है। जारी फ्रेंड, नीचे कॉलगेट लगाऊंगी। अभी देखिए आटा गूंथने के लिए रखी हुई है यहाँ पे, कॉलगेट लगा के पहले फ्रेंड्स लगा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा जलने उसके बाद ही। फ्रेंड्स, अभी देखिए बच गए हैं 10, और फाइनली फ्रेंड्स सारा काम कर चुकी हूँ, खाना वाना बना चुकी हूँ, सभी लोग खा भी लिए फ्रेंड्स, और बर्तन वर्तन माँज कर अभी आ रही हूँ फ्रेंड्स, और मैं भी खा ली हूँ। और देखिए दोनों बच्चे अच्छे से सो रहे हैं वहाँ पे। फ्रेंड्स, इतना भी टाइम नहीं मिला कि मच्छरदानी बांध दो, बच्चे लोग को मच्छर काट रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी बांधूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे कपड़े प्रिया दीदी घर पे जो पहनी थी, अभी सारे धोकर डाली थी छत पर, सब सूख गए हैं फ्रेंड्स, ला के रखी हूँ यहाँ पर। इसको अभी तहाना बाकी है, तहा भी नहीं पाई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जब से आई हूँ बहुत देखिए बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, और फ्रेंड्स काम भी था बहुत ही, तो इसके वजह से अभी कर नहीं पाई हूँ। बट ऐसा काम करने के बाद ही मैं सोऊंगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जब से आई हूँ प्रिया दीदी घर से, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सुशील भाई और प्रिया दीदी बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं फ्रेंड्स, दिल के और स्वभाव के दोनों बहुत ही अच्छे हैं फ्रेंड्स, कहने के लिए नहीं सिर्फ कह रही हूँ, सच में दोनों बहुत ही अच्छे हैं फ्रेंड्स। दीदी की जब विदाई हो रही थी, दोनों बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, दीदी भी बहुत रो रही थी। फ्रेंड्स, क्या बताऊँ, ब्लॉग नहीं बना पाए, क्योंकि मोबाइल ज़रा सा भी चार्ज नहीं था, स्विच ऑफ हो गया था मोबाइल, और लाइट नहीं था ताकि मैं मोबाइल चार्ज कर सकूँ और ब्लॉग बना पाऊँ फ्रेंड्स। और मुझे घर भी आना था, बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि इस समय बहुत ही ज़्यादा हवा और धूप हो जा रहा है, लू बह रहा है फ्रेंड्स। बाबू को मुझे लेकर आना था घर पे, इसके वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं सुबह ही आ गई, 11 बजे तक मैं घर पे आ गई थी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अभी जा रही हूँ घर ही मानने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और थक गई हूँ, इसलिए आगे का और ब्लॉग बनाने का नहीं मन कर रहा फ्रेंड्स। प्लीज़ चैनल पर जो नए हैं, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें फ्रेंड्स। ओके बाय फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक।